नए संसद भवन का उद्घाटन हो गया और कहा जा रहा है कि पुराने संसद भवन को संविधान भवन के नाम से जाना जाएगा। लेकिन संविधान भवन के नाम से इसको पुकारने से पहले हमें एक चीज याद रखनी चाहिए, ये वही संसद भवन है जिसमें भगत सिंह ने, शहीद आजम भगत सिंह ने बंक फोड़कर युद्ध का आगाज किया। ये वही संसद भवन है जहाँ जवाहरलाल नेहरू ने 15 अगस्त 1947 को ये घोषणा की थी कि अब भारत अंग्रेजों की गुलामी से आजाद। ये वही संसद भवन है जिस संसद भवन में लाल बहादुर शास्त्री जी ने अपना भाषण देते हुए ये गुजारिश देशवासियों से की थी कि वो एक दिन का उपवास। जी हाँ, ये वही संसद भवन है जिसमें इंडो पाक युद्ध के दौरान जो पूर्व प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, उन्होंने ये ऐलान किया था कि जो पाकिस्तान की सेना है उन्होंने भारतीय सेना के आगे अपने घुटने टेक दिए। और ये वही संसद भवन है जहाँ बीजेपी की नींव रखने वाले अटल बिहारी वाजपेयी ने अपना बहुचर्चित भाषण दिया था और उस भाषण में कहा गया था, सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेंगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। तो बेशक हम नए दौर में घुस रहे हैं, नई नई चीजें कर रहे हैं, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हमारी जो दर रखी गई है वो कहाँ से रखी गई है। इसी तरीके से हम नए संसद भवन के उद्घाटन पे खुश जरूर हो सकते हैं, लेकिन हमें ये भी याद रखना चाहिए कि पुराने संसद भवन में कितने ऐतिहासिक निर्णय लिए गए हैं और कितने ऐतिहासिक ढंग से वहाँ जो पुराने हमारे लोग रहे हैं उन्होंने भाषण